पाकिस्तान की हुकुमरा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाल ही में मुस्तफ़ा होने वाले सीनियर लीडर कादर बख्श कलमाती ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और ARY न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कादर बख्श कलमाती ने कराची के ज़िला मालेर में मुनक़द जलसे आम के दौरान नवाज शरीफ की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इस जलसे आम में मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी अहसन इकबाल, पार्टी के सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इस्माइल और पार्टी के दिग्गर रहनुमा मौजूद थे। पाकिस्तानी अखबारी दी न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक कादर बख्श देही कराची हलके के एक बासर सियासी शख्सियत है। इस दौरान हसन इकबाल ने कहा, PMLN के सरबरा नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दो मुहिम मुल्क का मकबूल तरीन नारा बन चुकी है और चारों सूबों में इसी की गूंज है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुआशरे में अफराद का विकार बहाल करना है तो वहाँ वोट का एहतराम किया जाना चाहिए। हसन इकबाल ने कहा, PMLN ने माजी में सूबा सिंध में खास तौर पर कराची में बड़े मंसूबे शुरू किए थे और आइंदा भी ऐसा ही करेंगे।